बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। जैसे भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो कि शाक्य गणराज्य के शासक थे। इनकी माता का नाम महामाया थी। इनका पालन पोषण मौसी महाप्रजापति के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुई थी। इनके पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया जिसे महाभिनिष्कर्मण के नाम से जानते हैं। ज्ञान प्राप्ति उरुवेला बोधगया निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनके प्रथम गुरु अलार कलाम थे। इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया जो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बौद्ध धम्म एवं संघ। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के अष्टांगिक मार्ग बताए सम्यक दृष्टि सम्यक वाणी सम्यक आजीविका सम्यक स्मृति सम्यक संकल्प सम्यक कर्म सम्यक व्यायाम सम्यक समाधि। त्रिपिटक तीन था। सुत्पिटक इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख था। विनय पिटक इसमें बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख है। और एक है अमिधम्मा पिटक इसमें बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया। कुछ बौद्ध प्रतीक के बारे में जानेंगे जैसे जन्म कमल एवं सांड गृत्या घोड़ा ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष निर्माण पदचिन्ह मृत्यु स्तूप। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।